हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उस आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनके टाइम पीरियड में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। बात करते हैं जॉन मार्शल के विषय में। जॉन मार्शल भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल रहे और इनके टाइम में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स ऑफ हड़प्पन साइट इन 1924 ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली टू द वर्ल्ड। इन्होंने विश्व को एक ऐसी सिविलाइजेशन से फैमिलियर करवाया जो जिसके बारे में पहले लोगों को बिल्कुल भी अनुमान या पता नहीं था। तो इसलिए इनके कार्यकाल को बहुत इनके कार्यकाल का बहुत महत्व है एएसआई में। एसएन रॉय जिन्होंने ये बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इन्होंने एसएन रॉय ने अपनी बुक में ये स्टेटमेंट दिया है, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। जहां पर उनको भारत मिला था या जहां उन्होंने भारत को पाया था वहां से मार्शल ने भारत को 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ा। इसका मतलब 3000 साल पहले की सभ्यता मार्शल ने खोज निकाली। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था बिकॉज टिल देन द सील्स विच वर फाउंड इन मेसोपोटामियन रीजन वर अनआइडेंटिफाइड बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा वुड बिकेम फेमिलियर विद अ न्यू ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कंटेम्परेरी टू मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया रीजन में जो हड़प्पा की मोहरें मिली थी उनका कल्चरल वैल्यू आर्कियोलॉजिस्ट को तब तक पता नहीं चला था जब तक जॉन मार्शल के समय में उनकी खोज नहीं हो गई। इसलिए अपने स्टेटमेंट में एसएन रॉय ने लिखा है कि भारत को जहां उन्होंने पाया था वहां से 3000 साल पहले ले जाकर छोड़ा। इसका मतलब अब वो आइडेंटिफाई की गई कि ये जो सील्स हैं जो मेसोपोटामिया रीजन में पाई गई हैं वो एक ऐसी सभ्यता की सील है जो मेसोपोटामिया के समकालीन थी और एक सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया हु हैड एक्सपीरियंस ऑफ ग्रीस एंड क्रीट एंड ही ऑल्सो टू मच इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग्स एंड इक्वली कीन टू लुक फॉर द पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट थे ये और इन्हें भी उन आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने में इंटरेस्ट आता था जो कि लोगों के एवरीडे लाइफ से बिलोंग करती थी, क्योंकि इनको आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री हिस्टोरियंस को एक ऐसी विशेष सामग्री देता है जिससे वो हिस्ट्री का निर्माण कर सकता है। तो ये भी एवरीडे लाइफ को के पैटर्न को जानने में बहुत उत्सुक थे और इन्होंने आर्टिफैक्ट्स को उसी नजरिए से रीड किया। जॉन मार्शल हैड अ मिस्टेक इन एक्सकेवेशन। अब बात करते हैं कि जॉन मार्शल ने एक्सकेवेशन के दौरान जो उनसे एक मिस्टेक हुई, एक भूल हुई समझने में, वो क्या रही। हमने अभी पढ़ा कि माउंट साइट्स और लेयर्स के बारे में हम अभी उसमें आपके फ्रेमवर्क में पढ़ चुके हैं। तो ही टेंडेड टू एक्सकेवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजेंटल यूनिट्स। इन्होंने खुदाई के दौरान हॉरिजॉन्टल यूनिट्स की खुदाई पर ध्यान दिया और जितने भी यूनिफॉर्मली मतलब एक साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले उनको सबको एक ही कल्चर का पार्ट बताकर और उसके डिफरेंट फेजेस को ये नहीं समझ पाए। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट की एक्सकवेशन पे फोकस किया और थ्रू आउट द माउंट एंड इग्नोर द स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी मतलब ये लेयर्स की स्टडी नहीं कर पाए। तो जब इन्होंने लेयर्स को इग्नोर किया, लेयर्स की स्टडी को इग्नोर किया, तो इट मीन दैट ऑल द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट, उस यूनिट से जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले तो विच वर यूनिट्स वर ग्रुप टूगेदर इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स।
अगर वो अलग अलग सॉइल के लेयर डस्ट लेयर से भी पाए गए थे तब भी उन्होंने स्टेटिग्राफी को नजरअंदाज करते हुए उन सबको एक ही कल्चर का पार्ट एक ही टाइम पीरियड का बता दिया। तो ये इनसे मिस्टेक हुई थी। इन दैट केस द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हड़प्पा सिविलाइजेशन के मिलने वाले थे वो जो है वो लुप्त हो गई, वो इंफॉर्मेशन लुप्त हो गई। तो इन दैट केस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस फेजेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज लॉस्ट। अब बात करते हैं आरईएम व्हीलर की। आरईएम व्हीलर बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई इन 1944 एंड ही फॉलोड द स्टेटिग्राफी इन एक्सकेवेशन एंड यूज मिलिट्री प्रिसिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी। इन्होंने स्टेटोग्राफी का जो समस्या जॉन मार्शल के समय पे आई थी कि वो डिफरेंट फेजेस का अध्ययन नहीं कर पाए थे, तो वो समस्या जो है आरईएम व्हीलर के समय में नहीं आई, क्योंकि इन्होंने स्टेटोग्राफी लेयर्स जो डिफरेंट लेयर्स में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन किया था और इन्होंने स्टेटोग्राफी को इग्नोर नहीं किया। और इनकी इन्हीं के समय में आरईएम व्हीलर के समय में जाकर हड़प्पा के तीन फेजेस जो है वो सामने आए, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेटर हड़प्पा। और उन्होंने क्योंकि वो आर्मी के ब्रिगेडियर थे इसलिए उन्होंने मिलिट्री टेक्निक को अपनाया, यानी कि और ज्यादा जो है परिशुद्धता के साथ प्योरिटी के साथ उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स को निकाल के उनकी स्टडी किया और उनको डीपली स्टडी करने के बाद आफ्टर दैट थ्री फेजेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर फाउंड, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेटर हड़प्पा। नाउ न्यू क्वेश्चंस, अब देखिए ये जो डिस्कवरीज हुई हैं इनमें नए क्वेश्चंस कौन से अराइज होते हैं, नए क्वेश्चन कौन से अराइज होते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। एग्जैक्टली, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन और के जो साइट्स हैं उनका आज की नेशनल बाउंड्रीज से कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ मैच्योर हड़प्पा आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। नाउ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो चुके हैं तो इसलिए अब जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का फोकस है वो इंडिया में हड़प्पा स्थल को खोज निकालने के ऊपर है। सर्वेज एंड एक्सप्लोरेशन वर कैरीड आउट इन गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तभी यहाँ पर जो नए नए आजादी के बाद जो स्थल मिले हैं, कालीबंगा गुजरात में लोथल, हरियाणा बनावली, राखीगढ़ी, पंजाब में रोपड़, ये सब नए खोजे गए हड़प्पा स्थल हैं जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन पर काम किया है। सिंस 1980s देयर हैज ऑल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। धीरे धीरे इस सभ्यता का पता लगाने के लिए जो एब्रॉड के जो स्कॉलर्स हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी हड़प्पन आर्कियोलॉजी में बढ़ रहा है। और जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतने ही क्वेश्चन सामने आएंगे और उन क्वेश्चन पे रिसर्च की जाएगी, रिसर्च की जाएगी तो उतने ही बेटर नतीजे हमारे सामने निकल कर सामने आते हैं और नई नई चीजें निकल कर सामने आती हैं। स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इन एनालाइजिंग द क्ले, टेबलेट्स, स्टोन्स, व्हाटएवर व्हिच इज फाउंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन।